Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. Hi friends, I'm Jumbo. How are you today? And welcome to Anna's Recipes. Friends, मुझे राइस बहुत पसंद है और कल अनामिका ने मेरे लिए बहुत सारे राइस बनाए थे लेकिन कल मैंने राइस कम खाए. एक्चुअली मैं आइसक्रीम बहुत सारी खा ली थी ना, इसलिए. तो उन बचे हुए राइस को अनामिका ने बहुत ही मज़ेदार स्टाइल में यूटिलाइज किया है और उसकी एक बहुत प्यारी डिश बनाई है. आइए देखते हैं इन लेफ्ट ओवर राइस से कैसे बनाते हैं स्टफ पराठे. आइए देखिए इसकी रेसिपी. ये है मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर बॉइल्ड राइस. अब लगाते हैं सबसे पहले आटा. मैंने लिया है 2 कटोरी आटा. इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा नमक, करीब 1/4 चम्मच, और थोड़ा थोड़ा पानी यूज करके हम एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे. जैसे हम नॉर्मल पराठे के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही. इनफैक्ट पराठे से ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा. बेस्ट आटा लगाने के लिए बेस्ट टेक्निक है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ पानी ना डालें. तो लगा देते हैं एक सॉफ्ट आटा. ये देखिए, ये एकदम सॉफ्ट आटा बनके रेडी हो गया है. इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं. अब जो मेरे लेफ्ट ओवर राइस है उसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ. और ये मैंने इसमें डाला है 2 मीडियम चॉप्ड प्याज. ये 2 मीडियम साइज के प्याज है जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है. 2 चॉप्ड हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 से 1/4 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, करीब 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च. और अब इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मैश कर देंगे. अपने हाथों से ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस हल्के से मिक्स करना है और मैश करना है. ये देखिए रेडी है. अब ले लेते हैं आटा. आटे को सूखे आटे में लगा के इसको हम बेलेंगे जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं. हम इसमें फिलिंग करेंगे. इसके लिए हमने ज़्यादा मोटा आटा नहीं लिया है और इसको एक बड़े साइज का बेलेंगे हम, जितना बड़ा हम बेल सकते हैं. बीच में लगाएंगे घी, और घी लगाने के बाद आप जो चावल का हमारा फिलिंग है उसको आप इसमें डाल दीजिए. करीब 3 से 4 चम्मच आप आराम से डाल सकते हैं. और इस तरीके से इसको आप साइड से वो करते हुए रैप कर दीजिए. दोनों हाथों से अच्छे से दबा दीजिए. ये टेक्निक है जिसे आप पतले आटे में भी अच्छी सी फिलिंग करके पराठा बना सकते हैं. आपका पराठा बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा. ये देखिए, अब इसे हल्के हाथ से बेलिए. और आपको सिर्फ कॉर्नर्स में ही बेलना है. सारा प्रेशर कॉर्नर्स में लगाना है और बहुत हल्के हाथ से प्रेशर देना है. ये टेक्निक आप आलू और दूसरे पराठे में भी यूज कर सकते हैं. ये देखिए, एकदम परफेक्ट पराठा बेला है और बिल्कुल मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा. अब इसको सेक लेते हैं तवे पे. थोड़ा सा गैस तेज कर देते हैं इनिशियली. एक साइड से हम इसे पलट देते हैं. जब एक साइड से सेक जाए तब आप गैस सिम कर दीजिए, घी लगा लीजिए, या फिर अगर आप ऑयल यूज करना चाहते हैं तो ऑयल से इसे सेक लीजिए. वैसे पराठे तो घी से ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं घी लगा के सेक रही हूँ. इस साइड भी घी लगा लेते हैं. जैसे ही गैस थोड़ी गर्म ठंडी हो जाए इसे आप तेज कर लें. बाद में फिर 2 मिनट बाद इसे सिम कर दें. सिम गैस पे इसको कड़क कड़क बनाएं. ये देखिए कितना खूबसूरत पराठा सिका है. ये पराठा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है. इस पराठे को हम हटा लेते हैं गैस से. ये बन चुका है. वाओ, देखिए कितना बढ़िया पराठा सिका है. एक और पराठा बना के बताती हूँ. ये देखिए, जो आटे की लोई है उसे आपको बड़े साइज की बेलनी है. जितना बड़ा साइज का आप बेलेंगे उतनी ही फिलिंग आपको करने में आसानी होगी. देखिए, इसमें मैं
पूरा 3.5 से 4 चम्मच भर के फिलिंग डाली है मैंने, जबकि इसकी जो आटा है ये बहुत छोटा है। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ इससे आप ज़्यादा फिलिंग के पराठे बहुत आराम से बना सकते हैं। हल्के हाथ से ऐसे बेलिए सिर्फ कॉर्नर्स में। ये देखिए एकदम रेडी है, इसे आप सेक लेते हैं। एक साइड से सिक गया है, घी लगा के इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। पहले गैस को तेज रखिए और बाद में गैस को सिम कर दीजिए और कड़क कड़क सिम गैस पे पराठे को बनाइए। ये देखिए कितना खूबसूरत पराठा बना है, कोई से नहीं कह सकता कि ये चावल का पराठा है। फ्रेंड्स आप इसे नाश्ते में बनाइए, अपने लेफ्ट ओवर राइस को खूबसूरती से यूज़ कीजिए और आपके बच्चे और आपकी फैमिली मेम्बर्स इसको खा के आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।